हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके थे। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करूंगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिए। एक मैट्रिक्स से दी हुई है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और शो करना आई प्लस ए। यहाँ पर आई का ऑर्डर भी सवाल में दिया हुआ है, वो सेकेंड ऑर्डर की है तो आई टू लिखेंगे। तो प्रूफ करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू दिस। तो LHS RHS है, तो पहले LHS निकाल लेते हैं, फिर RHS निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आई प्लस ए क्या हो जाएगा, आई का मतलब हो गया 1100 और ए का मतलब हो गया यहाँ पर 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 0 कितना होगा 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 1 + 0 इज 1। तो बच्चों ये तो आ गया हमारा LHS यानी कि I प्लस A। अब RHS निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो RHS निकालने के लिए I माइनस A और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले जरा I माइनस A निकाल लें हम लोग। तो I माइनस A कितना हो जाएगा 1001 माइनस A। A हमारा कितना 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0। इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो i माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 - 0 इज 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 यानी प्लस का 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 यानी माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 1 - 0 यानी कि 1। तो ये i माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब जरा कोशिश करते हैं हम लोग इस RHS को कैलकुलेट करने की। तो RHS अगर मैं देखूं तो क्या दिया हुआ है हमें, RHS दिया है हमें I माइनस A और इधर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और इधर दिया है cos अल्फा। I माइनस A की जगह ये पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिख देता हूं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बच्चों इसको इसको प्रोडक्ट करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। तो अब 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहां ऊपर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। कॉस अल्फा को मैं ये पुट कर सकता हूं 10 अल्फा बाई 2 के टर्म में और साइन अल्फा को मैं ये पुट कर सकता हूं, क्लास 11 के फॉर्मूले साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा वाले ये पुट कर सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं कि पुट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा यहां पर अगर देखें तो 1 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 और कॉस अल्फा की जगह क्या लिखूंगा मैं 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा की जगह 2 - 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर साइन अल्फा की जगह माइनस साइन अल्फा है तो क्या रही है माइनस के साथ माइनस 2 - 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा की जगह 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये बड़ी सी मैट्रिक्स बन गई, काफी बड़ा लग रहा है देखने में और ये इसके नीचे चल रहा है बच्चों, ठीक है, काफी बड़ा लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, लेट 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कुछ मान लेता हूं, कहीं x तो यूज नहीं हुआ है तो चलो x मान लेता हूं। तो अब मैट्रिक्स हो गई 1x - x 1, थोड़ा छोटा हो गया लिखने में और कुछ नहीं, 1 - x² अपॉन 1 + x² और 2x - 1 + x² और ये हो गया माइनस का 2x - 1 + x² और ये हो गया 1 - x² अपॉन 1 + x². अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे हमारे मल्टीप्लाई करने का तरीका है। और तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का, कि ये वाली रो लेंगे और ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली रो को इस कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा जगह बना लेता हूं बोर्ड पर, आजकल बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरे पास, घर पे यूज कर रहा हूं। तो देखते हैं जरा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा
वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस रो को उस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड वाली रो को लेता हूं और सेकेंड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया और वन की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वन था तो इस वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूं तो शायद तुम्हें लेंदी लग रहा हो, इतना लेंदी सवाल है नहीं। ऊपर सॉल्व करते हैं जरा, देखो तो नीचे का एलसीएम तो सेम ही है, वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर माइनस टू एक्स, एलसीएम नीचे सेम है, एलसीएम ले लेता हूं और इस x के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, ये हो गया। इधर आ जाता हूं, इस माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलसीएम दोनों का सेम है तो ऐड कर देता हूं, और यहां पर भी एलसीएम दोनों का सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं, ये आ गया बच्चों। इजी कैलकुलेशन है, देखते हैं जरा, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। अब देखें जरा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और यहां टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बचा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं वन। अब यहां देखो क्या हो गया, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, यानी माइनस का एक्स बच गया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहां पर क्या हुआ, टू एक्स माइनस एक्स यानी प्लस का एक्स बच गया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां देखिए क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी अपॉन में चल रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस खत्म होने वाला है बच्चों सवाल, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, वन हो जाएगा। यहां पर देखो जरा, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये वाला वन। उसके बाद में यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कटने के बाद क्या बचा है, वन बचा है। बच्चों ये मुझे एलएचएस में चाहिए था, मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारी कॉपी में लिखा रहेगा, मैं मिटा दे रहा हूं, आप चेक कर लेना कि आरएचएस उतना आया या नहीं आया, देखते हैं अभी जरा। तो अब इस मैट्रिक्स में देखिए हम लोग क्या हो सकता है, तो बचा वन एक्स, यहां क्या बचा माइनस एक्स और वन। हमने एक्स किसको माना था, टेन अल्फा बाई टू को, तो वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये आ गया प्लस का टेन अल्फा बाई टू और वन। इसको आप ध्यान से देखना, ये उसी एलएचएस के बराबर है, तो आरएचएस बराबर एलएचएस हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंदी जरूर लग रहा है, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो स्टूडेंट्स नया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी 30,000 उसके पास रुपीस हैं और दो जगह वो इन्वेस्ट कर रहा है। मान लेते हैं एक्स इन्वेस्टमेंट पहली जगह कर रहा है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया उसके पास बच्चों, 30,000 माइनस एक्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, तो यहां से उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है, और इस अमाउंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। और अगर मैं आपसे पूछता टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो भाई आप x का 5% निकालते प्लस इतने का 7% निकालते, दोनों को ऐड कर देते, टोटल इंटरेस्ट आ जाता। मगर वैसे नहीं करना, उसने लिख दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप लोग जानते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, चलो देखो अच्छा क्या बता रहा हूं, इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने ऐसे लिख लिया x एंड 30,000 माइनस एक्स, ये मैंने एक रो में लिख लिया। और जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है अगर मैंने वो भी रो में लिख लिया तो यानी कि 5% है तो 5/100 हो गया, और दूसरा 7% है यानी 7/100 हो गया,
ये इंटरेस्ट का रेट है। आपको मैंने बताया था कि आप इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके होता है, तो ये इससे थोड़ी मल्टीप्लाई। अगर आप इसका सोचो ऑर्डर आप लिखने की कोशिश करोगे तो ये 1:2 का है, और अगर इसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करोगे तो ये 1:2 का है, और मल्टीप्लाई कब होती है जब दोनों बराबर हो। तो ये 1:2 की जगह अगर मैं इसे 2:1 कर दूं, यानी कि अगर इस रो को मैं क्या लिख दूं, कॉलम लिख दूं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, और वो प्रोडक्ट फिर उसी से जाकर के मल्टीप्लाई होगा जिससे होना चाहिए। यानी कि अब अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो x इससे जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x into 5/100 प्लस 30,000 x मल्टीप्लाइड बाई 7/100। ये टोटल इंटरेस्ट आया हुआ है, तो 80 x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी। सेकंड पार्ट आप अपने आप करिएगा, बस यहाँ पर 2000 रख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 तो वैसे ही है, आप लोग करिएगा उसको, और मैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताता हूँ। तो 21 देखिए जरा, कुछ ऑर्डर मैट्रिक्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, उनके सबके ऑर्डर दिए हुए हैं, ध्यान से देख लो। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इसको डिफाइन होना है, तो पहले तो ये समझ लो कि ये प्रोडक्ट कब होगा वो चेक करते हैं। तो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस के। तो भाई यहां से ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है डिफाइन है जब ये और ये बराबर होता है, यानी यहां से एक बात पता चल रही है कि के बराबर 3 है। और आगे देखते हैं जरा क्या है, यहां से देखो W का ऑर्डर कितना है n क्रॉस 3, और y का ऑर्डर कितना है हमारे पास 3 क्रॉस k। तो यहां से ये भी एक बात पता चल रही है 3 3 तो बराबर है। अच्छा, इनके प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस k, और इनके प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस के। अब क्या होना चाहिए भाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स प्लस की जा रही है, इसका मतलब जो ऑर्डर ये होगा वही ऑर्डर ये भी होगा, तो के और के तो सेम है, इसका मतलब पी और एन के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी पी इज इक्वल टू एन होगा और के इज इक्वल टू 3 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ एन इज इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x-5z, ये कैपिटल में होगा, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल में होती है, 7x-5z। तो 7x-5z का हमें ऑर्डर बताना है, बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन। तो ये भाई x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस p। तो ये तो बात सही है भाई, जब n बराबर p होगा तभी तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर पाएंगे, अगर ये दोनों ऑर्डर सेम हुए तभी कर पाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो या तो 2 क्रॉस n आएगा या 2 क्रॉस p आएगा, तो आपके ऑप्शंस में 2 क्रॉस n दिया हुआ है, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज तो खत्म हुई, आगे हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के बारे में बता देता हूं, बड़ा आसान टॉपिक है एकदम, बस रो और कॉलम को उलट देना है। तो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज होता है, अगर इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है ट्रांसपोज, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ए टी या ए डैश ऐसे लिख देते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं, और इसका मतलब क्या होता है कि रो एंड कॉलम शुड बी इंटरचेंज्ड, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है बस। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बना दीजिए, तो पहली रो ये है ना, इसको कॉलम बना दो पहला, यानी 1 2 ऐसे लिख लो, दूसरी रो ये है इसको दूसरा कॉलम बना दो 3 4, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ए टी से भी इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में इतना पढ़ना है, इसके आगे अभी और भी कई टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।